पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट हर कलर में हमने देखा, चाहे वो वाइट हो, चाहे रेड हो, चाहे मैग्मा ग्रे कलर हो, बट द स्प्लेंडेड सिल्वर कलर जो नवी अर्टिगा में भी एक न्यू कलर लॉन्च है, प्लस न्यू ब्रेज़ा स्प्लेंडेड सिल्वर कलर में बहुत बढ़िया दिखती है। द जी टी लाइन मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेज़ा LXi मॉडल इन द स्प्लेंडेड सिल्वर कलर आज आप लोगों के सामने है। जी टी लाइन मॉडिफिकेशन अगर हमको देखना है तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं द फ्रंट बम्पर से, क्योंकि रेगुलर जो एक्सटेंडर्स और स्किड प्लेट कंपनी लगा के देती है वो बहुत ही पतली आती है फर्स्ट, सेकंड उसमें कोई सेफ्टी भी नहीं है, प्रोटेक्शन भी नहीं है। जो फ्रंट बम्पर डिफ्यूज़र इसके ऊपर हमने लगाया है, एक तो इसका लुक देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, एंड जो इसकी रोड प्रेजेंस है गाड़ी के साथ, एक मस्क्यूलर एंड हैवी लुक मिलता है ब्रेज़ा को आगे से। सिल्वर एंड ब्लैक टू टोन में आता है, एंड ये जो क्रोमियम के ब्रॉड इसके अंदर ये पेंटागन शेप रिंग्स आती है, इसको एक ब्रेज़ा को स्ट्रॉन्ग लुक देती है आगे से। ये बम्पर हमने दो डिज़ाइंस में देखा है, सो ये ए मॉडल एंड बी मॉडल दोनों मॉडल्स में अवेलेबल है। जिसको पीछे एग्जॉस्ट चाहिए उसके लिए अलग डिज़ाइन है, जिसको पीछे सिंपल चाहिए उसके लिए अलग डिज़ाइन है। फ्रंट का अगर हमने लगाया है तो बैक का भी देख सकते हैं कि रियर का भी किस तरीके से, जो एक टॉप मॉडल का लुक आता है गाड़ी को, जैसे टॉप मॉडल आप लेंगे ZXi प्लस, उसमें सिल्वर स्किड प्लेट आती है, तो ये स्किड प्लेट का लुक तो देता ही है, प्लस उससे थिक एंड हैवी है साइज़ में, प्लस इसमें 1-2-3 नकल्स है, इस बम्पर का लुक देख सकते हैं ब्रेज़ा के ऊपर। सेकेंड जो हमको प्रोडक्ट लगाना है अगर जी टी लाइन मॉडिफिकेशन हमको देखना है तो टू टोन हमको गाड़ी करनी पड़ती है। ये सिल्वर कार है बट इसके ऊपर गरवारे का ब्लैक PPF हमने किया हुआ है। इट्स नॉट अ विनाइल, इट्स अ ब्लैक PPF जिसकी शाइन, ग्लॉस, चमक देख सकते हैं। है ये एक स्टिकर बट दूर से अगर इसको हम देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी हमने पेंट की हुई है। एक ये बम्पर, सेकेंड ये टू टोन, थर्ड साइड वेंट्स जो हमारे रेंज रोवर में आते हैं, एंड फोर्थ इज द व्हील कैप जो एक अलॉय व्हील का लुक दे रहा है। अलॉय व्हील का तो बजट थोड़ा सा ज़्यादा है बट अगर कम बजट में हमको अलॉय व्हील का लुक देना है तो ये व्हील कैप है, ये टू टोन में आते हैं, सिल्वर एंड द इनसाइड इज ब्लैक। फिफ्थ द साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग जो मारुति की जेन्युइन आती है, जो क्रोमिंग जो मारुति की जेन्युइन आती है जो हमने विंडो पे लगाई हुई है, ये गाड़ी का लुक आप लोगों के सामने है। कमिंग टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार, अगर स्प्लेंडेड सिल्वर का फर्स्ट वीडियो है हमारा तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि किस तरीके से द कंप्लीट इंटीरियर ऑफ द कार हैज़ बीन डन इन द वाइन कलर जो जीप की ग्रैंड चेरियो के आती है, उसके टॉप मॉडल में जैसा इंटीरियर आता है ब्रेज़ा के अंदर हमने किया है। सी द इंटीरियर ऑफ द कार, इट इज़ अ LXi मॉडल, इसमें कंट्रोल्स नहीं थे, आर्मरेस्ट नहीं था, वुडन टेक्सचर्स नहीं थे। एक एक से हम स्टार्ट करते हैं। सीट कवर्स हमने लगाए हैं जो ऑटोनॉमी ब्रांड के आते हैं वाइन कलर में, 1, 2, 3, 4 की फिटमेंट देख सकते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। द जेन्युइन आर्मरेस्ट जो ZXi प्लस, ZXi भी आप ले लो, आर्मरेस्ट उसमें नहीं आता है, टॉप मॉडल में कंपनी देती है। द टॉप मॉडल मारुति जेन्युइन आर्मरेस्ट इसमें लगाया है, द मारुति जेन्युइन स्टेयरिंग कंट्रोल्स इसके अंदर हमने लगाए हैं, क्योंकि स्टेयरिंग पे आवाज़ कम ज़्यादा, गाना आगे पीछे, फ़ोन उठाने काटने का कोई भी बटन नहीं था। द मारुति जेन्युइन सन ग्लास होल्डर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द कार, अ प्लेस फॉर कीपिंग योर गॉगल एंड अ कैबिन लाइट प्रोविजन इन द कार, बट सी द चेरी कलर थीम जो हमने किया है। इसके एक एक जो दरवाजे हैं फुल चेरी विद ब्लैक स्टिचवर्क के साथ हमने रैप किए हुए हैं लेदर में। द कंप्लीट डैशबोर्ड हैज़ बीन गिवन इन द टू टोन, द एक्सटीरियर पार्ट जो VXi में आता है सिल्वर, एंड जो इनर पार्ट है वो रेड कलर में है। एक एक डैशबोर्ड की भी फिनिशिंग फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं, बट जो गाड़ी की आन बान और शान है वो उसका 10.5 इंच का क्लियर है, क्योंकि टॉप मॉडल में भी इतनी बड़ी स्क्रीन हमको ऑफर नहीं होती है। वंस अगेन द 10.5 इंच स्क्रीन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन ब्रेज़ा विच इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर ब्रेज़ा। ये रेगुलर वो मार्केट में लोकल फ्रेम लगा दिया उसमें फिट कर दिया वो सब बातें नहीं है। 360 डिग्री कैमरे के साथ इसको हमने कैलिब्रेट किया हुआ है। द फ्रंट व्यू, द बैक व्यू, द लेफ्ट व्यू, द राइट व्यू, ऑल द फोर व्यूज़ ऑन वन स्क्रीन, ये स्क्रीन हमने लगाई है।
इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो हमको आता है, यूट्यूब आता है, GPRS आता है, इसकी टच की जो क्वालिटी है, इसका जो इंटरफेस है, इसका जो ग्रैंड लुक है, इट गिव्स यू अ वेरी क्लासिक लुक इन द ब्रेजा। सी द लुक ऑफ दिस प्लेयर दोस्तों। एक्टिव एम्बियंट लाइट जो इसके डैशबोर्ड पे चारों दरवाज़ों पे हमने लगाई है, एक फाइन लाइटिंग है जो एक लग्जूरियस कार, कोई भी एंगल से ये बोल नहीं सकते हैं कि ये LXi मॉडल है, एक प्रीमियम, एक लग्जूरियस, क्योंकि ब्रेजा है एक मिनी रेंज रोवर जो मारुति ने डिज़ाइन की है, बट इसको आप थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं तो कैसे ये गाड़ी की रोड अपीयरेंस है, लुक है, एस्थेटिक्स है, आप लोग देख सकते हैं। DRLs हमने लगाई हैं जो कंपनी की हेडलाइट के ऊपर लगती है ऑनिक्स स्टाइल में। हेडलाइट में प्रोजेक्टर तो कंपनी ने दिया है बट उसके बल्ब पीले हैं, तो LED बल्ब्स हमने लगाए हैं हेडलाइट में, जिसकी रोड पे रोशनी देख सकते हैं। लो बीम एंड हाई बीम गिव्स यू अ फोकस्ड लाइट ऑन द रोड। फॉग लाइट खाली ऑन है, हेडलाइट अभी बंद है। फॉग लाइट हमने जगह लगाई है जो LED है, दो कलर्स में आती है। ये खाली फॉग लाइट ऑन है येल्लो में, ऑफ एंड ऑन करने पे वाइट लाइट भी है, ऑफ एंड ऑन करने पे येल्लो लाइट भी है। सो वंस अगेन ब्यूटीफुल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेजा। 360 डिग्री की कैमरा की प्लेसमेंट देख सकते हैं कि आपके ही मिरर पे, ऐसा नहीं है कि 360 लगाना है तो हमको मिरर भी चेंज करने पड़ेंगे, आपके ही मिरर के ऊपर ये कैमरास इंस्टॉल हो सकते हैं। हेडरेस्ट ये गाड़ी में नहीं लग के आते हैं पीछे की तरफ, तो मारुति के जेन्युइन हेडरेस्ट भी इसी के अंदर हमने इंटीग्रेट किए हैं जो आपकी सीट्स में लगते हैं। सर रखने के लिए जगह ही कंपनी ने नहीं दी है। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, यानी कि दरवाज़ा खोलने पे ब्रेजा नाम एंड उसमें इल्यूमिनेशन देख सकते हैं चारों डोर पे। बट वाइन कलर, स्प्लेंडेड सिल्वर कार, ब्लैक रूफ, रूफ रेल्स लगाई हैं जो टॉप मॉडल में हमको आती है। द ग्रैंड प्लेयर रिफ्लेक्टर लाइट्स जो पीछे ब्रेक मारने पे जलती है, किस तरीके से इनका भी जो एक इंट्रोडक्शन है आप लोग देख सकते हैं कि जो ऊपर लाइट तो जलती है बट नीचे जो दिया है कंपनी ने वो डमी है, रिफ्लेक्टर लाइट्स भी इसके अंदर ऐड की है। गरवारे की सन कंट्रोल फिल्म जिससे धूप आपकी गाड़ी के अंदर नहीं आती है, तो चाहे इसका सनग्लास होल्डर हो, स्टेयरिंग कंट्रोल्स हो, हेड रेस्ट हो, मोल्डिंग हो, क्रोम हो, आर्मरेस्ट हो, हर वो एक्सेसरी मारुति जेन्यून है, प्लस द GT लाइन अपग्रेड, प्लस द वाइन कलर इंटीरियर, प्लस डैम्पिंग का वर्क हमने किया है चारों दरवाज़ों में जिससे रोड नॉइस ज़रा भी नहीं आती है, एंड हर्ट्स के चारों स्पीकर्स के साथ इसके ऑडियो को भी हमने अपग्रेड किया है। द स्प्लेंडेड सिल्वर GT लाइन मॉडिफिकेशन, ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड सर भी हमारे साथ है, ओनर ऑफ द कार, उनका हमारे साथ है ओनर ऑफ द कार। सर का एक ही मैसेज मेरे को आया था कि जब भी गाड़ी में लूँगा, शोरूम से निकले हैं एंड कहाँ से आए हैं सर हमारे पास? औरंगाबाद काफ़ी दूर है मेरे शॉप से, न्यू बॉम्बे वाशी से, बट सुबह मैं आता हूँ 10 बजे, तो सर उससे आधा घंटा पहले आ गए थे। उन्होंने बोला डू वॉट एवर इज़ बेस्ट, हम थैंक यू करते हैं सर को, एक हम उन्होंने अपॉर्चुनिटी हमको दी। कैसी गाड़ी आई थी सर एंड कैसी हो गई है, दो लाइन क्या बोलेंगे? हाँ, LXi आई और ZXi प्लस प्लस बन गई है शायद, यही बोल सकते हैं। थैंक यू करते हैं आपको। प्लेयर का कैसा लुक है सर? बढ़िया। शुक्रिया करते हैं। औरंगाबाद से दो गाड़ियां और आपके ग्रुप से आनी चाहिए। द LXi टू द GT लाइन मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेजा, वीडियो वगैरह जो देख रहे हैं डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली। थैंक यू।